गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ SGOI. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7A. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं. टुडे वी आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट डिवाइड 715 अमंग ए बी एंड सी in such a way that B gets 3 times as much as A and C gets half as much as B gets. ठीक है, तो divide कितना करना है amount, तो लिखेंगे amount to be divided that is equal to 715, that is equal to rupees 715. ठीक है, condition given है B gets 3 times as much as A gets. B को A से 3 times मिलता है, तो हम लोग let कर लेंगे. Let share of A is equal to X. अगर ऐसा करेंगे, then share of B कितना हो जाएगा? 3 times of X, that is 3X. Okay? Now, share of C कितना होगा? Share of C is equal to बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ बी, मतलब कि 3x का हाफ, दैट इज 3x बाय 2. ठीक है, ना रेशियो निकालना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, दैट विल बी एक्स रेशियो 3x रेशियो 3x बाय 2. ठीक है, क्योंकि x अभी में कॉमन है और 2 डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से डिवाइड कर देंगे. तो x अपॉन x या 2 x को सभी टर्म्स को x से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, रेशियो 3x डिवाइड बाय x और 2 से मल्टीप्लाई, रेशियो 3x बाय 2 डिवाइड बाय x, मतलब कि नीचे x और मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, x से x खत्म, x एंड x, x एंड x, 2 एंड 2, तो रेशियो विल बी 2 रेशियो 3 into 2 is 6 ratio 3. ठीक है, तो A, B और C का जो ratio आ गया, वो आ गया 2 ratio 6 ratio 3. अब A का share कितना होगा? A share will be ratio of A is 2 upon sum of ratio is 11 multiplied by 715. 11 बन जा, और 11 65 is the 65 into 2 130 rupees will be the share of A. B share, that is 6 upon 11 multiplied by 715, 11 manja and 65 multiply karenge, you will get 390 rupees. ठीक है, share of C, C share, इसका ratio कितना है, 3 upon sum of ratio 11 into 390, 11 manja, sorry 390 715 divide करेंगे 11 manja और 65 into 3 195. तो शेयर ऑफ सी कितना हो गया रुपीस 195. दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, तो 11 आप अपने आप से ट्राई करेंगे. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. इन क्वेश्चन नंबर 12 इट इज सेइंग द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द स्कूल आर इन द रेशियो 8 रेशियो 3. तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है, बॉयज रेशियो गर्ल्स इज इक्वल टू 8 रेशियो 3. ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 405 है, तो नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं. अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8 रेशियो 3 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, दे विल बी 8x, और नंबर ऑफ गर्ल्स they will be 3x. Number of girls are given in the question, that means 3x का value given है आपको, 3x is equal to 405, x will be equal to 405 upon 3, 3 ones are 3, 3 3 are 9, 3 ones are 3, 5 is 15. ठीक है, now 135 x का value आ गया, तो number of boys कितने हो जाएंगे, number of boys already पता है आपको, that is equal to 8x. Now you have to multiply 8 with the value of x, that is 135. 8 5 is 40, 04.
8 + 4 = 28 * 8 + 2 = 10 मतलब 1080 is the strength of boys in the class, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम, देयर इज अ गर्ल नेम रीमा और उसका वेट गिवन है 63 kg। तो प्रेजेंट वेट कितना है रीमा का? प्रेजेंट वेट इज इक्वल टू 63 kg। अभी का जो वेट है उसका दैट इज 63 kg। उसने वेट रिड्यूस किया और किस रेशियो में रिड्यूस किया? 9:8 के रेशियो में। तो रिड्यूस्ड रेशियो दैट इज 9:8। दैट मींस प्रेजेंट वेट किसके इक्वल है? 9x के इक्वल है। और जो बाद में घटा हुआ वेट है न्यू वेट वो किसके इक्वल है? 8x के इक्वल है। 9x की वैल्यू 63 गिवन है ऑलरेडी, तो 9x इज इक्वल टू 63, x is equal to 63/9 that is 7, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 7। न्यू वेट फाइंड करना है आपको, that is 8 × 7 that is 56 kg is the new weight of Reema, है ना? नया वेट जो है that is 56 kg, ठीक है। Now let's move to another question, that is question number 15. It is also very easy question. It is saying there are two numbers और two numbers का ratio कितना दिया है? 9:13। तो ratio of number given है आपको, ratio of numbers that is 9:13। अगर ratio 9:13 है तो numbers क्या होंगे? First number that will be 9x and second number this will be 13x, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ नंबर्स दैट इज इक्वल टू 9x प्लस 13x दैट इज इक्वल टू 22x, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स कितना हो गया? 22x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है 176, ठीक है। इसकी वैल्यू है 176, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 22x का जो वैल्यू है that is equal to 176, so x will be equal to 176/22. When you divide both of them, you will get 8 here. So x की वैल्यू कितनी आ गई? 8. अगर x की वैल्यू 8 है, तो first number कितना हो गया? 9 × 8, that is 72. Second number कितना हो जाएगा? 13 × 8, that is 104. So first number is 72 and second number is 104. This is how you will be solving question number 15. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 है एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, बस यहाँ पे डिफरेंस लिया गया है, तो आप डिफरेंस कर देंगे नंबर्स का, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेम, ए रेशियो बी 3:2 है, ए रेशियो बी कितना है? 3:2, और बी रेशियो सी जो है दैट इज इक्वल टू 4:5, ठीक है। ए रेशियो बी है 3:2 और बी रेशियो सी है 4:5, तो फाइंड करना है आपको ए रेशियो सी। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ए का वैल्यू भाई 3 दे रहा है और सी का वैल्यू 5 दे, डायरेक्टली लिख सकते हैं इतना 3:5, नहीं दिस इज रॉन्ग। बी का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, यहाँ बी का जो रेशियो है वो 2 है, यहाँ पे जो बी का रेशियो दैट इज 4, दैट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज द वैल्यूज and make them equal, b की values को equal करना पड़ेगा, तो you'll be writing ratio में था upon होता a upon b is 3/2 and b upon c is 4/5, ठीक है। इसमें b 4 है इसमें 2 है, अगर इसको भी 4 बना दे तो दोनों की values same हो जाएंगी, तो multiplied with 2, अगर इसको 2 से multiply किया numerator should also be multiplied with 2, यहाँ 4 already है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, it will be 6/4 is equal to 4/5. Now b की वैल्यूज सेम हो गई, अब b की वैल्यू सेम हो गई तो डायरेक्टली a 6 और c 5 हो जाएगा, तो a रेशियो c विल बी इक्वल टू 6:5 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, तो क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने आप से ट्राई करें, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 इज आल्सो सेम एज 17 बट यहां पे रेशियो थोड़ा किसमें दिए हुए फ्रैक्शंस में दिए हुए तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग रेशियो ऑफ पी रेशियो क्यू इज गिवन दैट इज इक्वल टू 1:3 रेशियो 1:2 1:3 रेशियो 1:2 दिस इज द रेशियो ऑफ पी रेशियो क्यू. क्यू आर है 1:2 1:3 क्यू आर है 1:2 रेशियो 1:3 और आपसे पूछा जा रहा है कि P और R का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी चेंजिंग दिस इनटू व्हाट इनटू नॉर्मल रेशियोस. तो हो जाएगा 3:3 + 1 4:3 रेशियो 2:2 + 1 3:2. मैंने बताया अभी भी ये फ्रैक्शन में तो इसको चेंज करके किसमें लाएंगे नॉर्मल वाले रेशियो में लाएंगे. तो 3 और 2 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4:3 × 6 ratio 3:2 × 6 3 × 3 = 6 2 × 2 = 6 तो रेशियो विल बी 4:8 ratio 3:9 तो P और Q का रेशियो चेंज होके हो गया 8:9. सिमिलरली Q और R के लिए भी करेंगे इसमें है 1:2 ratio 1:3 दैट मींस इन दोनों के एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो Q ratio R will be equal to 1:2 × 6 ratio 1:3 × 6 2 × 3 = 6 3 × 6 तो आ जाएगा 3:2 तो Q और R का जो रेशियो है दैट इज 3:2. क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि P और Q है 8:9 Q R है 3:2 यहाँ पे Q की वैल्यू 9 है यहाँ Q की वैल्यू 3 है इसको इक्वल करना पड़ेगा. सेम करेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू 8:9 एंड Q अपॉन R इज इक्वल टू 3:2. ये 9 इसको 9 बना सकते हैं किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो ऑलरेडी 8:9 ही रहेगा. 9 की वैल्यू यहाँ पे सेम 9 है यहाँ 9 बना रहे हैं हम लोग 3:3 = 9 एंड 3:2 = 6. अब Q की वैल्यू दोनों में सेम हो गई तो अब P और R की वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं. Therefore, we can say that P ratio Q जो हो जाएगा that will be 8:6 है? और 8:6 को आप further reduce भी कर सकते हैं 2 से divide करके तो ये हो जाएगा 4 and ये हो जाएगा 3 तो P की ratio Q बोल रहा हूँ मैं P ratio R है ना R P ratio R will be equal to 4:3 and this is the answer of your question number 19. ठीक है. सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी ट्राई कर सकते हैं. नाउ 20 में बता देता हूं 21 आप अपने आप से ट्राई करेंगे. ठीक है 20 प्रोसेस वही है 20 में भी प्रोसेस एकदम सेम है. 20 से ए रेशियो बी है 3:4 ए रेशियो बी है 3:4 एंड बी रेशियो सी इज गिवन That is 8:9 and they are saying आपको find करना है A ratio B ratio C. ठीक है This will be written as A upon B is equal to 3:4 and B upon C is equal to 8:9. ठीक है यहाँ value 8 है B की यहाँ पे 4 है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा equal 4 के table में 8 आता है तो इसी को 8 बना लेते हैं 2 से multiply तो इसको भी 2 से multiply this will be 6:8 and this is already 8:9 तो clearly A ratio B ratio C कितना आ गया 6:8:9 और further reduce नहीं हो सकते ये इसलिए answer will be 6:8:9. ठीक है this is your solution for question number 20. now let's move to question 21. 21 को आप उसी तरह करेंगे जैसे मैंने आपको बताया ये question. now moving to question number 22. 22 का एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा पार्ट हमने आपसे ट्राई करेंगे. फर्स्ट पार्ट इस बताना है विच रेशियो ग्रेटर कौन सा रेशियो बड़ा है 3:4 or 5:7 3:4 or 5:7 कौन सा रेशियो कौन सा कैसा है बड़ा है. दिस इज 3:4 और ये है 5:7 क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें 7 × 3 = 21 and 5 × 4 = 20 क्लियरली फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर देयरफॉर फर्स्ट रेशियो 3:4 जो है दैट 3:4 दैट इज ग्रेटर देन 5:7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर वैल्यू बड़ी होगी उधर वाला रेशियो क्या होगा बिगर होगा. ठीक है
दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर एक्सरसाइज 7A. इन टुमारोज क्लास आई विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7B, व्हिच इज प्रोपोर्शन. थैंक यू.